शामली की कांधा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट हत्या डकैती करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश पिछले काफी समय से फरार चल रहा था, जो अपने गैंग के सदस्यों को साथ लेकर सड़कों पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इससे पहले बड़ौत के एक मैरिज हॉल से एक टीकाराम नाम के ड्राइवर का अपहरण बदमाशों ने किया था और उसकी गाड़ी लूट करके उसको गोली मार करके इस घायल टीकाराम को हमारे थाना कांधला के क्षेत्र एलम में डाल दिए थे। उस पे हमारे थाना कांधला पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही थी। घायल टीकाराम के बयान से आया था कि चार अपराधी इस पूरी घटना को कारित किए हैं, जिसके अनावरण के लिए टीमें लगी हुई थी, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्लू के बावजूद भी हमारी कांधला टीम ने और एसटीएफ की टीम ने मिल करके इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इसने बताया है कि ये चार लोगों का एक अंतर्राज्यीय गैंग है, इंटर स्टेट गैंग है, बहुत ही खूंखार गैंग है। इसके साथ जो इसने नाम बताए हैं, एक आदेश नाम का अपराधी है और राहुल नाम का अपराधी है और एक अज्ञात है जो नाम नहीं बता पा रहा है। ये कुल चार अपराधी इसमें शामिल पाए गए हैं। फिलहाल ये जो जानकारी सामने आई है कि इन्होंने स्कॉर्पियो समेत टीकाराम का अपहरण किया था और जब उसने विरोध किया तो इन्होंने उसको गोली मार दी, एक गोली पेट में मारी थी। उसके बाद उस घायल को थाना कांधला क्षेत्र में छोड़ के फरार हो गए थे। स्कॉर्पियो लूट के पीछे इसने कारण बताया है कि थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर क्षेत्र में एक पशु पैंठ लगती है, जिसमें व्यापारी लोग कैश की रकम लेकर के जाते हैं। वो बड़ी रकम लूटने के उद्देश्य से इन लोगों ने स्कॉर्पियो गाड़ी समेत टीकाराम का अपहरण किया था, जिस इरादे में नाकाम हो गए, क्योंकि उस दौरान शामली पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस दोनों की सक्रियता के कारण इनको गाड़ी छोड़ करके भागना पड़ा था और गाड़ी को बुढ़ाना पुलिस ने बरामद कर लिया था। इसी प्रकार से इनसे बाकी आगे की पूछताछ जब की गई तो इसके खिलाफ तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इसके खिलाफ पंजीकृत पाए गए, खासतौर पे बागपत बड़ौत में, शामली में भी है और विभिन्न दिल्ली और हरियाणा प्रदेशों में भी इसके खिलाफ तमाम मुकदमे पाए गए हैं। फिलहाल आज इसको गिरफ्तार करके और इसके कब्जे से असलाह और कारतूस बरामद करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके बाकी साथियों के नाम जिनके आ गए हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और इस प्रकार से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करके इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।